हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे ब्रह्मास्टिक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बॉर्डर रेडियस जनरेटर बनाना सीखेंगे। इसमें हमारा फोकस रहेगा कैसे बॉर्डर रेडियस जनरेटर में बैकएंड में कैसे काम करता है, कैसे एक वैल्यू चेंज करता है, उसके बारे में हम लोग इसका फोकस रहेगा। यानी कि इसका डिजाइन पर, इसका डिजाइन आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। इसमें देखिए दो डिफरेंस है, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। इसमें एक क्या है कि एक मैं इसको जितना यहाँ पे ले जाऊँ यहाँ ले आऊँ ऑटोमेटिक बड़ा छोटा हो रहा है, ये तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है। पर इसको लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज में मैं देखिए, अगर इसको मैं खींचूँ तो नहीं होगा, अगर जब तक मैं छोड़ता नहीं तब तक इसका वैल्यू आएगा नहीं। यहाँ पर कर दूंगा तो आ जाएगा, देख लीजिए, मतलब यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। पर इसको अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी करेंगे तो इसका वैल्यू नहीं आएगा, देखिए नहीं चेंज हो रहा, 0 0 है जब तक मैं कहीं ले जाकर छोड़ूंगा तो। इसमें क्या है, बस जहाँ पे ले जाऊंगा वैल्यू चेंज हो रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन फोल्डर में जाता हूँ, कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ या कोई भी फाइल बना लीजिए। सबसे पहले इसको फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें एक मैं फाइल बना लेता हूँ, border.html, एंटर करता हूँ। और इसका देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखकर इंटर मैं करूँगा। तो टाइटल में जो भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या ना देने का मन हो तो नहीं दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले एक डिव बनाएंगे। डिव टैग को मैं लिखता हूँ और इस डिव का मैं आईडी दे देता हूँ, यह है बॉर्डर वाला बॉक्स है, बॉर्डर मैन के नाम से दे देता हूँ या बॉर्डर बैक्स, जो भी नाम देना है आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं इसको कॉपी पास्ट करता हूँ, गूगल क्रोम खोला, यहाँ पेस्ट कर दिया, एंटर करता हूँ। अभी देखिए कुछ नहीं आएगा। अब टाइटल के नीचे जाता हूँ और स्टाइल टैग को यहाँ पे शुरू करता हूँ और सीएसएस का प्रॉपर्टीज लगाता हूँ, हैश सिंबल लगाता हूँ, बॉर्डर मैन को बॉर्डर मैन लिखा। इसके बाद मैं इसका विथ और हाइट दे देता हूँ। विथ हम लोग दे देते हैं 250 पिक्सल दे देता हूँ इसको, और हाइट भी दे देता हूँ 250 पिक्सल। अब मैं सेव करता हूँ, अभी भी नहीं आया। इसका मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड मैं रेडियल ग्रेडियंट पे देता हूँ, रेड और ब्लैक आप कोई भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन व्हाइट जो भी देना होगा वो दे सकते हैं। इसको देने से आपका ऐसा कलर आ जाता है। इनपुट लिखेंगे, इसमें टाइप जो लिखा है उसके जगह मैं रेंज लिख देता हूँ, रेंज। और इसका मैं दे देता हूँ मिनिमम कितना, 0 से, और मैक्सिमम 50 या 100 जितना ले जाना है वहाँ तक इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ और पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आ गया, ये 100 तक जाएगा। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कितने बार, 4 बार करूंगा, 4 बार कॉपी कर लिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 4, और एक बार कर देता हूँ। सबके आगे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस। ये देखिए इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में दे देता हूँ। ये देखिए बॉर्डर रेडियस के कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए बॉर्डर रेडियस जो लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है, इसको लिख देने के बाद बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे जितना वैल्यू दूंगा ये चारों तरफ से उतना ही ये राउंड होगा। पर इसके और भी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज है, देखिए बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, और एक है बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस,
बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, हम क्या करेंगे कि एक इसके लिए भी बनाएंगे कि यहाँ पे क्लिक हो तो ये चारों का काम शॉर्ट हैंड वाला भी हो जाए और लॉन्ग हैंड वाला भी, दोनों को हम लोग देख कर करेंगे। इसे सब प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे, तो सबका मैं नाम दे देता हूँ उसके आगे। ये देखिए चारों प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया, ये चार और एक एक शॉर्ट हैंड वाला, पांचों मैंने पांचों को लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिफ के अंदर ये लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज को मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि इससे हम लोग का अलग टास्क कराना है। कट और पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ। देखिए सबका नाम आने लगा। अभी देखिए स्लाइडर अभी काम नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं सबको एक एक आईडी दे देता हूँ। इस देखिए इनपुट के अंदर गया, इसका मैं देता हूँ आईडी, बॉर्डर का शॉर्टकट मैं दे देता हूँ BR, फिर आईडी इसको दे देता हूँ BR1, इसको मैं आईडी दे देता हूँ BR2, सबको मैंने आईडी दे दिया एक एक। आप कोई भी आईडी का नाम दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, इसके नीचे स्क्रिप्ट टैब यूज करेंगे और जावा स्क्रिप्ट को यूज करेंगे। तो मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, सारे आईडी को मैं एक्सेस करता हूँ BR, इसको लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इसमें यहाँ पे देखिए जो BR में है, यहाँ पे जो भी नाम लिखना है लिख सकते हैं, पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इससे हम लोग आईडी से एक्सेस करते हैं। तो आईडी से किसको एक्सेस करना है, तो हम लोग देखिए इसको BR को करना है, आईडी का नाम ये है, तो यहाँ पे मैं BR लिख देता हूँ। यहाँ पे लोग सेम नेम इसलिए दे देते हैं क्योंकि गड़बड़ ना हो, नेम भूल ना जाए, इसीलिए अधिकतर लोग सुविधा के लिए दे देते हैं। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, BR2, यहाँ पे BR3, 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 नहीं यहाँ BR4, यहाँ पे BR4 कर देना है। BR4 करने के बाद इसके बाद एक हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी ये लिख देता हूँ, कोई भी नाम दे दीजिए, पर याद रखिएगा अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सारे के सारे को एक्सेस करूँगा। अब इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, किसका स्टाइल चेंज करना है, ये जो बॉर्डर मेन है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, हम लोग इस टिप का जिसका आईडी का नाम बॉर्डर मेन है उसका हम लोग एक्सेस करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर मेन डॉट, इसका हम लोग का स्टाइल चेंज करना है, डॉट क्या चेंज करना है, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर, और यहाँ पे मैं कैपिटल लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस बराबर लिखता हूँ किसका, किसका वैल्यू इसको चेंज करना है। तो देखिए शॉर्ट हैंड के लिए ये वाला हम लोग बनाए थे, तो BR.Value प्लस उसका वैल्यू, और फिर इसके बाद उसमें हम लोग प्लस जोड़ेंगे पिक्सल, क्योंकि पिक्सल में वो चेंज होता है, किस में चेंज करना है, पिक्सल में करना है कि इंच में करना है क्या, तो उसका तो वैल्यू देना पड़ेगा ना, तो हम लोग पिक्सल उसका वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे पिक्सल लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंटर करता हूँ, तो देखिए इतना मैं सेव करता हूँ, सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। अभी भी नहीं चेंज हो रहा है, क्यों नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए BGA, यहाँ पे फंक्शन का हमने सिंबल नहीं दिया। इसके बाद हमको इसको कॉपी करना है, ऑन क्लिक मैं करूंगा तो ये फंक्शन रन हो जाना चाहिए। अब मैं सेव करता हूँ और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये हो गया।
काम करने लगा और उसका वैल्यू नहीं सो रहा। एक चीज़ और यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, अभी देखिए इसको मैं घुमाऊंगा तो नहीं हो रहा है, पर स्टार्टिंग में बता रहा था कि इसको घुमाते ही ये चेंज हो रहा था। इसमें क्या है कि जैसे ही छोड़ रहा हूँ तब ये चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैंने ऑन क्लिक पर किया था, अगर मैं उसके जगह अगर ऑन इनपुट लिख दूँ तो यह स्मूथली होने लगेगा। ऑन इनपुट, ऑन इनपुट, अब मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए माउस के साथ होने लगा। चलिए सबको हमको वैल्यू भी शो कराना है, 1 2 3 4 5। अब आते हैं, देखिए जो बॉर्डर बॉटम टॉप रेडियस वगैरह जिसमें लिखे हैं इसके नीचे आते हैं। अब इसको डिव के अंदर डालू में डालू, किसी भी टैग के अंदर डाल दीजिए, पी टैग या H2 H3, जो भी टैग के अंदर डालना है उसको डाल दीजिए। 3 4 5, सबको आईडी देना है। अल्ट लिख लेता हूँ और सबको मैं यहाँ पे कर देता हूँ आईडी। अब इसको मैं आईडी देता हूँ बॉर्डर रिजल्ट, बॉर्डर रिजल्ट। और फिर इधर माउस क्लिक करूँगा, सारे जगह से वो हट जाएगा जहाँ जहाँ माउस के लिए आया था कर्सर। यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था। अब इसको कहाँ पे शो कराना है इसका वैल्यू, उसके लिए हम लोग कोड करेंगे। तो इसका H2 में हम लोग बॉर्डर रिजल्ट, यहाँ पे लिखा हूँ बॉर्डर रिजल्ट डॉट इनर HTML, इनर HTML बराबर बैकटिस के अंदर हम लोग लिखेंगे, बैकटिस का प्रयोग करेंगे। देखिए दो बार मैं टैब के ऊपर वाला बटन प्रयोग किया, उसके बाद आ गया। इसमें लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, लिख देता हूँ डबल कोट्स, बॉर्डर रेडियस मैंने लिख दिया, एक कॉलन का मैंने सिंबल भी दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं डॉलर का साइन देना है और इसके बाद इसको क्लोज कर देना। अब किसका वैल्यू यहाँ पे शो कराना है, br.value, और इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलोन दे देना है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा है। तो मैं पिक्सल दे देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ। मैं लिखना था मैंने लिखा ही नहीं, HTML, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद अब देखिए आने लगा, चेंज होने लगा। अब इसके बाद एक और फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन इसका नाम लगता है BZA2। यहाँ पे लिखता हूँ किसका चेंज करना है, बॉर्डर मैन, बॉर्डर मैन, बॉर्डर मैन क्या, ये जो डिव है डिव का नाम मैंने रखा है बॉर्डर मैन। और क्या चेंज करना है, डॉट स्टाइल, स्टाइल उसका चेंज करना है डॉट। अब ये हम लोग सॉफ्ट, अब हम लोग लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या करेंगे, यहाँ से देखिए बॉर्डर रेडियस वाला ये हो गया, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस यहाँ पे ये लिखना है। तब मैं इसको लिख लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, इक्वल टू किसका वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे BR1, क्योंकि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस का हमने नाम रखा है BR1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BR1 और इसके साथ डॉट वैल्यू लगाएंगे, प्लस लिखेंगे प्लस, और इसमें पिक्सल दे देंगे। इसका मेजरमेंट क्या में कर रहा है, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट किस कहाँ पे दिखाना है, तो 1 में तो हमने दिखा दिया है बॉर्डर रिजल्ट
वन में यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि बॉर्डर रिजल्ट हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, बॉर्डर रिजल्ट वन में करेंगे। BORDR बॉर्डर रिजल्ट डॉट, इसका इनर HTML चेंज करना है इक्वल टू बैक टेक्स्ट। इसके बाद ये जो यहाँ पे लिखे हम लोग बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस जो लिखे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैमल केस में। कैमल केस कैसे, बॉर्डर यहाँ पे लिख दिए, टॉप यहाँ पे दिखे डैश दिया है, तो यहाँ पे टॉप का जगह बड़ा T लिख देंगे, छोटा में OP। यहाँ लेफ्ट लिखा है, छोटा L है, तो यहाँ पर बड़ा L लिखेंगे, LFT। बाकी इसके बाद छोटा रह जाएगा, रेडियस में पहला लेटर R बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटा हो जाएगा। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस ये हमको यहाँ नहीं लिखना था, ये वाला आपको लिखना था, कॉपी किए और यहाँ पे लिखना था हम लोग को बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। और यहाँ पे आपको लिखना था ये वाला बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर लिखते हैं तो हम लोग कैमल केस में इसको लिख लेते हैं, पर अगर इसका वेबसाइट बॉर्डर रेडियस का बना रहे हैं तो वहां से जो भी कोड जनरेट होगा, ये जो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस ये जावास्क्रिप्ट में ऐसे यूज होता है, पर CSS में यूज करना होगा। तो ये नीचे वाला कोड जो देख रहे हैं हाइफन दिया हुआ बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस जो डैश वाला, इसको हम लोग यूज करते हैं, पर जावास्क्रिप्ट में ए वाला यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर कोई भी चेंज करना हो तो कैमल केस वाला लिखेंगे और उसको चेंज करेंगे। पर हम लोग को यहाँ पे जो भी यहाँ पे शो कराना है यूजर को, क्योंकि यहाँ से जो भी रेडियस हो कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर सके, और उसके लिए आपको CSS में इस फॉर्मेट में यूज होता है, तो यहाँ पे यही लिखेंगे। यहाँ पे कॉलन दे देंगे, देने के बाद डॉलर का साइन दे देंगे, डॉलर साइन देने के बाद यहाँ पे अब इसका वैल्यू हम लोग गेट करेंगे किसका, आप लोग अब देखिए BR1 का, BR1 का वैल्यू हम लोग को लेना है, BR1 डॉट वैल्यू, इसके अंदर पिक्सल लिख देंगे, छोटा में लिखेंगे। अब इसको देखिए कॉलन लगा देंगे, अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखिए इसको डिप के अंदर इसीलिए रखवाए थे क्योंकि यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगा सकूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन इनपुट, ये देखिए पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए डिप के अंदर ही ये लिखा गया H2 वाला पूरा, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको मैं बाहर आ जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद क्रोम पे रिफ्रेश किए, ये देखिए बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस काम करने लगा, और ये वाला भी यहाँ पे काम कर रहा है, और ये यहाँ पे, ये दोनों एक ही जगह क्यों आ रहा है, ये देखिए दोनों इस एक ही जगह इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉर्डर रिजल्ट यहाँ पे वन लिखना था, अगर दोनों का मैंने सेम नाम दे दिया था तो एक ही में वो दिख रहा था। देखिए अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, दोनों का सेम नाम दे दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको सबको अलग अलग दिखाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेम कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट करेंगे कितना बार, 1 2 3। अब यहाँ क्या करेंगे, बॉर्डर मेन स्टाइल बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस यहाँ पे लिखा है, सबका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, यहाँ से कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल करने के बाद कॉपी कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, यहाँ पे मैं यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ,
फिर मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला का कॉपी करता हूँ। अभी यहाँ पे, यहाँ BR1 है तो यहाँ पे BR2 लिखता हूँ। यहाँ पर वैल्यू में BR2 लिख देता हूँ, बॉर्डर रिजल्ट 2 लिख देता हूँ। अब देखिए सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ये दोनों का अभी चेक करेंगे। ये देखिए ये और ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। और इन तीनों का यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। अब ये अगला क्या हो जाएगा, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। यहाँ से मैंने कॉपी किया, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब देखिए बॉर्डर बॉर्डर बॉटम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट, LEFT लेफ्ट रेडियस होइएगा। यहाँ पे यहाँ था 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ 3। मैंने नाम इसीलिए यहाँ पे दिया कि ज़्यादा मैंने इधर उधर लंबा वीडियो ना खींच पाऊँ। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 4, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 4। पर इसका नाम चेंज करना होगा, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद बॉर्डर बॉटम कैमल केस में लिखता हूँ राइट राइट रेडियस। चलिए अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए इसे चारों तरफ होने लगा, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ, देखिए अभी मैं ऊपर वाला का कर रहा हूँ, ये देखिए ये हो रहा है। और देखिए बाय डिफॉल्ट 50 लिया है, पर ये शो नहीं करता जब तक मैं इधर कुछ करूँगा नहीं। ये देखिए सारा काम करने लगा। देखिए ये बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, अगर मैं इसको आगे की ओर लेते जाऊं तो इधर से जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अब बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, राइट रेडियस है देखिए ये वाला है। अब बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस ये वाला है, देख लीजिए। अब बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस ये वाला है, ये हमारा बॉर्डर रेडियस जनरेटर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।